कैनेट स्कूल बॉयज और बॉयज का एक हॉस्टल जिसके अंदर दो बिल्डिंग कामी की जाएगी, जिसकी लागत 20 करोड़ की लागत से आज सदर मोहतरम के हाथों से इफ्तिताह अमल में आया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इस बिल्डिंग का काम होने में करीब करीब साल डेढ़ साल के अंदर इस बिल्डिंग को तामीर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हल्के असेंबली कारवान के इब्राहिम बाग तारामती के पास तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल फॉर बॉयज की नई इमारत के लिए आज सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने संगे बुनियाद रखा। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्के असेंबली कारवान के इब्राहिम बाग वनमोर नगर तारामती में तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल फॉर बॉयज की इमारत का संगे बुनियाद रखा। बता दें कि 20 करोड़ रुपए की लागत से तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल की इमारत की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस तकरीब में रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिद्दीन, मुतालिका अहदेदारों कारवान डिवीजन के नौ मुंतखिबा कॉरपोरेटर स्वामी यादव, नानल नगर डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, नौ मुंतखिबा कॉरपोरेटर गोलकुंडा मोहम्मद फरीद, नुमाइंदा कॉरपोरेटर लंगर हाउस वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर टोली चौकी मोहम्मद फरहान और स्टैंडिंग कमेटी कॉरपोरेटर अजीज खान पठान, राजेंद्र यादव के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व दीगर की गुलपोशी की गई। असदुद्दीन अवैसी ने इमारत के प्लान और तामीरती अमल के मुतालिक अहदेदारों से तफसीलात से वक्फियत हासिल की। वाज़े रहे कि कायदे मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अखिलतियों को नियारी तालीम जेवर से आरस्ता करवाने के लिए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। हर अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करिए और शेयर करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन टीवी न्यूज। आज सदर मोहतरम की हाथों से हल्के कारवान काउंसिल के अंदर माइनॉरिटी स्कूल बॉयज और बॉयज का एक हॉस्टल जिसके अंदर दो बिल्डिंग कामी की जाएगी, जिसकी लागत 20 करोड़ की लागत से आज सदर मोहतरम के हाथों से इफ्तिताह अमल में आया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इस बिल्डिंग का काम होने में करीब करीब साल डेढ़ साल के अंदर इस बिल्डिंग को तामीर किया जाएगा और उसी तरीके से और दो बिल्डिंग्स है इंशाल्लाह, वो भी अनखरीब के अंदर चंद जगह पर लाइन की वजह से रुका हुआ है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह एक महीने के अंदर वो दो बिल्डिंग का भी इफ्तिताह सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हाथों से इफ्तिताह अमल में आएगा। आज के प्रोग्राम के अंदर हल्के कारवान के तमाम कॉरपोरेटर्स, तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स, राजेंद्र नगर के इंचार्ज जनाब रहमत बेग साहब और हमारे इब्राहिम बाग के बहुत सीनियर मोस्ट और ख़ास तौर से अंबेडकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजू उस्ताद, उनके तमाम साथी आज सदर मोहतरम से भी मुलाकात करें और यहाँ पर एससी कमेटी के लिए, ग्रियाट के लिए और यहाँ पर एक रिजर्वर के लिए सदर मोहतरम को एक प्रपोजल दिए और सदर मोहतरम ने तहखून दिए और मुझको हिदायत दिए कि कल कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी करे और यहाँ के जो मसाइल है चाहे वो ग्रियाट का हो या दीगर जो मसाइल है उन तमाम मसाइल को मैं हमारे यहाँ इब्राहिम बाग के तमाम लोग को ले जाकर कलेक्टर से नुमाइंदगी की जाएगी। उसी तरीके से यहाँ का जो रात के अंदर पानी आ रहा उसके ताल्लुक से भी सदर मोहतरम डायरेक्टर ऑपरेशन से भी बात करें। मैं समझता हूँ जो टीपू खां ब्रिज से लेकर रामदेवगुड़े को बड़ी लाइन डाली जा रही, मैं वो काम होने के बाद जो रात के दरमियान में 3 बजे रात को जो पानी आ रहा है वो पानी रात की सप्लाई बंद हो जाएगी, फिर मामूल की तरह दिन की सप्लाई दी जाएगी। और अब जो पानी की जो तकलीफ हो रही जिसकी वजह क्या है, ये तमाम गोलकुंडे से होते हुए लाइन इब्राहिम बाग खुआती जिसकी वजह से सदर मोहतरम ने आज से 2 साल पहले मुझको बताया था। उसके बाद सदर मोहतरम की हिदायत पर एमडी वाटर से मुलाकात कर जो डिफेंस को जाने वाली लाइन टीपू खां ब्रिज से गंदम मुड़े को जाने वाली लाइन से लेकर रामदेवगुड़े को मिला जाएगा। उसके बाद मैं समझता हूँ इब्राहिम बाग हो या रामदेवगुड़ा हो यहाँ पर जो पानी की तकलीफ है इंशाल्लाह पानी की तकलीफ दूर हो जाएगी। उसी तरीके से और यहाँ पर जो मसाइल है इंशाल्लाह जल्द से जल्द तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। वनमोर नगर के अंदर भी 1 करोड़ 50 लाख की लागत से डाली गई और जो बड़ी लाइन डाली जा रही है 1 करोड़ 40 लाख की लागत से डाली जा रही, जैसे वो काम होने के बाद सदर मोहतरम वनमोर नगर का और ये बड़ी लाइन का इफ्तिताह सदर मोहतरम के हाथों से होगा। मैं उम्मीद आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तमाम के जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको बताइए, मैं इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी मामला है आप मुझको बताइए, इंशाल्लाह आप हम बैठकर आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि आप देखते होंगे हल्के कारवान के अंदर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, बड़े से बड़े डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं।
अभी कारवां के अंदर करीब करीब 5 स्कूल्स है स्कूल, और आज यहाँ पर अभी जो स्कूल चल रहे हैं प्राइवेट रेंट बिल्डिंग में है, अभी यहाँ पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनी जा रही है। एमएलए साहब।